wonderful. हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम विदुषी एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. तो आज के वीडियो के अंदर मैं अपनी एक मम्मा की बहुत पुरानी साड़ी, उसको कन्वर्ट करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल लहंगे के अंदर. ऐसी वीडियोस बनाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने पहले दो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो भी डाले हैं, मैं वो भी लिंक कर दूंगी, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो. तो ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ पूरा प्रोसेस के कैसे ये टर्न आउट होता है लास्ट में. तो ये जो साड़ी है ये मैंने मेरे मम्मा को बहुत टाइम पहले गिफ्ट दी थी. ये तो ये वो साड़ी है, ये डबल शेड वाली साड़ी. अगर आपको पहले पता हो जो पहले चलती थी साड़ी, तो ये इसके ऐसे साड़ी है. ऐसे ये इसका पल्लू है पूरे पिंक कलर का. तो ये पिंक कलर भी मैं यूज करूंगी, आपको आगे बताती हूँ कैसे. और बाकी ये पूरी ब्लैक ऐसे नेट है, तो ये नेट की साड़ी है. और लास्ट में इसके ऐसे बहुत सुंदर सा सिल्वर कलर का ऐसे बॉर्डर है पूरी साड़ी के अंदर. तो मैं इसका एक ब्यूटीफुल सा लहंगा बनाऊंगी. अभी मैं साड़ी भी आपको पहन के दिखा दूंगी, ताकि आपको एक ओवरव्यू पूरा आइडिया मिल जाए कि साड़ी कैसे लगती है और बाद में इसका जो ड्रेस बनेगा वो कैसे पूरा बनेगा. तो ये ऐसे कुछ पूरी ऐसे साड़ी है. तो ये जो ब्लैक पार्ट है ये नेट का पार्ट है. तो मैं ये लहंगा बनाने के लिए एक ये मोनोक्रोम जैसे लहंगा बनाऊंगी, तो वो यूज करने के लिए सिर्फ मैं ये ब्लैक कलर का लहंगा बनाऊंगी. और इसका जो पल्लू पे एक ऐसा ये साइड में पार्ट भी दिया हुआ है, तो यही मैं ब्लाउज के लिए यूज करूंगी. तो वो आपको पैटर्न आगे पता चलेगा कि कैसे ये मैं साड़ी कन्वर्ट करती हूँ और इससे एक अच्छा सा लहंगा बन सकता है. तो ये अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, तो एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है कुछ भी ऐसा करने के लिए. मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैं ऐसा गला ऐसे थोड़ा बोल रही हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे हर्ट हो रहा है. तो ये इसका मैं पूरा बनाऊंगी. और फिर ये जो पिंक इसका पल्लू का पार्ट बन जाएगा, इसको भी मैं कैसे ना कैसे करके यूज कर लूंगी. ये इन सब में मेरा दिमाग बहुत चलता है. मैं ये देखती रहती हूँ मेरी मम्मा की, नानी की कोई भी साड़ी मिलती है तो मैं उसको कैसे बनाऊं. अगर वो नहीं पहनते तो ये मेरी मम्मा नहीं पहनती, क्योंकि अब ये बहुत तो इसका ट्रेंड नहीं है. तो अभी इसको मैं कन्वर्ट करूंगी. तो यही पूरा प्रोसेस है, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी. और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी मैं मार्केट भी जाऊंगी, क्योंकि मेरे को इसके लिए ऑब्वियसली सामान लाना पड़ेगा. इसके नीचे जो इसके जो लेयर लगेगी अस्तर, वो मेरे को लेके आनी पड़ेगी. तो वो मैं ब्लैक कलर का शाइनी सैटन लाऊंगी ब्लैक कलर का इसको पेयर करने के लिए. और इसके नीचे ये ऐसे पिंक बॉर्डर है, तो मैं सोची हूँ मैं कोई सैटन का ही पिंक दुपट्टा, क्योंकि ये जो इसके जो लेस है ऐसे बॉर्डर, ये भी कुछ सैटन सा ही शाइनी सा है, तो मैं एक सैटन का पिंक, ताकि जो दुपट्टा है वो कॉन्ट्रास्ट में लगे, पूरा ब्लैक नहीं हो. तो मैं ऐसे कुछ करके अभी मार्केट से इसके लिए शॉपिंग करने वाली. ज्यादा कुछ करना, सिर्फ एक सैटन का वो लाना है और एक दुपट्टा लाना है, बाकी इसके अंदर बॉर्डर सब है. तो एक्स्ट्रा लेस और ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है. तो अभी ये मैं करने वाली हूँ. अभी जाती हूँ मार्केट, आप चलो मेरे साथ मार्केट. नहीं, मुझे सैटन ही चाहिए ब्लैक कलर की. ब्लैक सैटन है? नहीं, ब्लैक सैटन तो दे देंगे. मिल जाए तो ब्लैक सैटन जितनी चाहिए 3 मीटर. हाँ, ब्लाउज में भी तो अच्छा ब्लाउज और लेंगे. खाली सैटन दिए रहे एकदम सेम. नहीं, ये अलग है, सैटन एक सेट है ना. वो तू पहले दिया था, वो थोड़ा तो मिल रहा था, पर वो तो बहुत कम है. भैया ये वाला देना. कौन सा? ये यानी कर लो. वाली व्हाइट, इसको डाई कराना पड़ेगा पिंक. अंदर 2x2 है सबला. ये वाली चलान कितने पूरा पन्ना बनो रहे
दिस इज द नेक्स्ट डे. कल मैं मार्केट जाके सामान लेके आई थी, मुझे इतना कुछ नहीं लाना था उस लहंगे बनाने के लिए. सिर्फ मुझे उसकी ये अंदर की लाइनिंग चाहिए थी, तो ये मैंने ले लिया सेटिन. ये 40 रुपीज मीटर है, तो आई थिंक 3 मीटर्स लिया है ये. और इसकी एक दुपट्टा बनाने के लिए 3 मीटर पिंक कलर की नेट ली है, ये वो नेट है. तो बस अब वो स्टिचिंग वाला जो भी पार्ट है वो अभी स्टार्ट होगा. दोनों अलग अलग पार्ट है तो मैं इन दोनों को कट कर लूंगी. आउट्रो लेना भूल गई थी, तो अभी मैंने सोचा मैं इसका आउट्रो ले लेती हूँ अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब. तो वो जो पूरा आउटफिट था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. उसका दुपट्टा मुझे ऐसे रफल वाला चाहिए था, वो नहीं बना. पर जैसा भी था तो एक बार मैंने शूट कर लिया, क्योंकि आगे भी मेरे पास टाइम नहीं है. तो यही था अभी इस वीडियो के लिए. आपको ये आउटफिट कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताना. तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी मेरी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि बहुत रात हो रही है. तो या मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.